जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे सिंघानी गांव, जो कि भिवानी जिले का गांव है। यहां की समस्याओं पर बातचीत करेंगे और साथ के साथ यहां की उपलब्धियों पर बात करेंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आप युवा हैं, शिक्षित हैं और गांव की बागडोर आपको दी गई है। तकरीबन 8 महीने पहले पंचायत चुनाव हुआ और आप यहाँ से विजयी हुए। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आपका, आपके गांव का और आपके गांव के गणमान्य व्यक्तियों का और आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं चौधर की चौपाल में। जी सुरेंद्र जी। हाँ जी, आप हमारे यहाँ इस प्रोग्राम को लेकर आए, हमारी जो भावनाएं हैं वो आगे तक पहुँचाने का काम करें, इसलिए आपका यहाँ पहुँचने पर हम भी हमारे गाँव में हमारी तरफ से और सभी गाँव वासियों की तरफ से हम आपका सबका स्वागत करते हैं। जी, गाँव के सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं और उसमें अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? कितने क्लासेस तक का स्कूल है, 10वीं तक का है या प्लस 2 तक का है या फिर आपके यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है? जी, और स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, उसमें अध्यापक हैं या नहीं है? हमारे स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक सरकारी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, महाविद्यालय जी, और यहाँ स्टाफ भी अच्छा है और स्कूल की बिल्डिंग भी अच्छी है। हम आपसे पूछते हैं कि आपके गांव में सरकार ने या पिछली सरकारों ने कभी भी खेल के लिए कोई स्टेडियम बनवाया या नहीं बनवाया? बनवाया है तो उसमें क्या सुविधाएं दी हैं खिलाड़ियों के लिए? हमारे गांव में नहीं तो सरकार ने कोई स्टेडियम बनवाया ना कोई सुविधा दी है। और आप ये बात करो कि पदक तालिका में हम पदक ढूंढ रहे थे, ढूंढने का तो हमारे जो सरकार है, सरकार की जो खेल नीति है ना, उसका सबसे मुख्य कारण रहा है। क्योंकि जो पैसे हम आज जो मेडल लेके जो आते हैं उनको करोड़ों में आज जो पैसे दे रहे हैं, क्यों ना हम उन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए उस लेवल का, उस दर्जे का स्टेडियम, उस दर्जे के कोच और वहाँ की फैसिलिटी दिलाएं ताकि वो बच्चे खेल कर मेडल एक दो टोने की जरूरत ना पड़े। सैकड़ों हजारों में हमारे देश के नौजवान मेडल लेके आए, क्योंकि हमारे टैलेंट की कमी नहीं हमारे देश में, हमारे देश में उसको आगे बढ़ाने की और उसको सर्च करने की जरूरत है। हम अपने कार्यक्रम में स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं, डिस्पेंसरी या स्वास्थ्य केंद्र या पशुओं का अस्पताल, ये इंसान और पशुओं के लिए इलाज के लिए क्या सुविधाएं हैं आपके गाँव में? यहाँ हैं हॉस्पिटल, पशुओं का भी है और पी अच्छी भी है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की संख्या नहीं है, उसमें देखभाल नहीं है, बस बिल्डिंग बना के छोड़ दिया और नाम मात्र जो भी आते हैं वो हाजरी रजिस्ट्रों में ही होती है, ना कि जमीन लेवल पे। और गांव में स्वच्छता की जो बात कर रहे हो आप, स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारियों की जरूरत होती है। आज से हमारे गांव की लगभग जनसंख्या 9 से 10 हज़ार है, सफाई के सिर्फ 2 कर्मचारी है, 2 कर्मचारी इतने बड़े गांव में सफाई नहीं कर पाते। जी, यहां की गलियों की बात करते, पीआरआई स्कीम से जो बजट आया, नालियों पे आपने क्या किया, पाइपलाइन वगैरह के लिए क्या किया, इसके साथ साथ में गलियों के लिए क्या प्रपोजल आपने रखा है, एस्टिमेट बनाया या नहीं बनाया? दूसरा, जो फिरनी रिंग रोड बोलते हैं जिसको गाँव का, फिरनी के लिए क्या हालात है फिरनी के, और उसके लिए अगर बुरे हालात हैं तो बजट के लिए क्या आगे से मांग आपने रखी है और आगे से क्या जवाब मिला? हमने सभी जो गलियां कच्ची हैं उनका एस्टिमेट बनवा के प्रस्ताव पास कर दिया है और हमारी 1 तारीख को ग्राम सभा है, उसमें दोबारा से कर देंगे जी। लेकिन सरकार देने के नाम पर कुछ नहीं है, पीआरआई का जो पैसा है उन्होंने, अभी हमने एक नाले की रिपेयरिंग शुरू कराई है, कुछ जो पानी की समस्या थी उसके लिए पीआरआई से सूंड बिछवाई है, और एक जो सबसे मुख्य विषय था, जो गलियों में जो हमारे गांव के लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उनका दिमाग अग्रसित नहीं है, उनको हमने करने के लिए हमने पूरे गाँव में डस्टबिन की व्यवस्था की है जी। ताकि जो कचरे के जो हैं वो इधर उधर गाँव में उड़ता नहांडे उसमें पड़ जाए और इकट्ठा होकर बाहर चला जाए। पीआरआई का हमने यूज किया है और जो भी गलियों के सरकार को ग्रांट देगी तो लगाने के लिए तो सभी तैयार है। तकरीबन चौपालों को रिपेयर किया जा रहा है, उसके साथ साथ में जहां चौपाल कम है वहां नई चौपालें बनाई जा रही है, ग्रांट दी जा रही है, आपके गांव के क्या हालात है? चौपालें तो पुरानी सरकारों की बनाई हुई हैं, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग है डैमेज है, इस सरकार ने तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। और हमारे गाँव की सबसे बड़ी, मैं ये कहूँगा कि हमारे गाँव का दुर्भाग्य है, क्योंकि आज से करीबन 8 या 7 साल के समथिंग हो गए हमारे गांव में पावर हाउस बनाया था बिजली का, और उसके लिए हमारे गांव ने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दी थी जी। आज तक हमारे गांव की ना तो अलग लाइन है ना उसका हमें कोई फायदा है, हमारे गांव की एक ट्रांसफार एक पावर हाउस से 7 गांव की एक लाइन है, किसी भी 7 गांव में से 1 गांव का तार टूट गया है, कोई और मिस हैपनिंग होगी तो सभी गांव, जब तक वो फॉल्ट ठीक होगा किसी गांव को लाइट नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी मार्केट के लिए, कॉलेज के लिए और स्कूल के लिए यहाँ बिजली का शेड्यूल सिर्फ दिन में 2 घंटे का है जी। 2 घंटे बिजली आती है, दुकानदार और स्कूल और कॉलेज उनका टाइम लगभग ये रहता है, सुबह 7-8 से लेकर कॉलेज स्कूल 2-2.5
और मार्केट सुबह शाम के साथ, उनको सिर्फ दो घंटे ही बिजली यूज होती है और वो कमर्शियल बिल भर रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक मैंने खुद ने डीसी को, ग्राम सभा में प्रस्ताव को, सबको मैसेज किया है। आईएएस धनपत सिंह जी आए थे उस टाइम पर भी हमने मांग रखी थी कि हमारे गांव की लाइन अलग की जाए, क्योंकि हमारे गांव ने फ्री आपको जमीन दे रखी है जी। 8 साल के बाद हमें ये सुविधा मिली, ये कहना है यहाँ के सरपंच का। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में दोबारा से यहाँ से युवा और शिक्षित सरपंच से जुड़ेंगे। एक बार जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दलबीर। दलबीर जी, बताइए, कोई गांव की सरपंच के अलावा कोई आपको लगती हो कोई समस्या ऐसी जो जिसको आप सरकार के सामने उठाना चाहते हैं? समस्या बहुत है गांव में जी। गलियों की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं जी। गांव की तो जी सबसे ज़्यादा तो मेन प्रॉब्लम रास्ता की, चकबंदी के कारण। हाँ, चकबंदी नहीं हुई इसलिए गाँव, मतलब पूरा गाँव रास्तों की बदौलत बहुत दुखी है। आपके यहाँ पानी की सप्लाई किस प्रकार से आ रही है? घरों तक ठीक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? दूसरा, जो गंदे पानी की निकासी, उसके क्या प्रबंध है? गंदे पानी की जो निकासी के हैं वो बिल्कुल 0% प्रबंध है जी। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गांव में सबसे चारों तरफ से नाला बना के और गांव के बीच में थोड़ी जगह नीचा गांव पड़ता है जहां बसासत है, उसको निकालने की हम सरकार को लिख भी चुके हैं और हम आज भी आपके माध्यम से मांग करते हैं कि वो भी की जाए। पीने के पानी के लिए अभी एक प्लांट जरूर बना है, अभी उसकी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। अभी तक तो पानी की दिक्कत है, पानी मीठा है लेकिन सप्लाई में थोड़ी दिक्कत है जी। तो निरंतर बराबर ये लगभग जी। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के अभियान में भी हमारे गांव में हमने भी पौधारोपण किया है और भी हमारे जो यहां का वन विभाग है उन्होंने भी, हमारे गाँव के लोगों ने भी इस मांग को आगे बढ़ाया और ये हमारे गाँव इस मामले में पीछे नहीं है जी। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में इस नतीजे पे निकले, जो गाँव पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान में सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, सोशल मैसेज को कन्वे किया, उन्होंने आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच को सम्मानित करते हैं, साथ साथ में जितने युवा साथी और बुजुर्ग हैं उनको भी, और हम निकलते हैं किसी और गांव, वहां की समस्याएं और वहां की उपलब्धियों को ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं सोहासड़ा गांव, जो कि भिवानी जिले का गांव है और यहां पे चौधर की चौपाल लगी हुई है। इस गांव की समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस गांव की उपलब्धियों को अपने कार्यक्रम चौधर के चौपाल के माध्यम से हरियाणा के हर घर तक पहुँचाएँगे कि ये गाँव क्यों जाना जाए, क्यों पहचाना जाए। यहाँ के सरपंच कप्तान रणधीर सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में, जो कि सेना में रहकर देश की सेवा की और अब गांव की सेवा में जुटे हुए हैं कप्तान रणधीर सिंह जी, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में। जी रणधीर सिंह जी, आपका स्वागत है, वेलकम है जी। नमस्कार, मैं पूरे गाँव वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि सभी खुशहाल रहें जी। सेना से रिटायर होने के बाद में आपने यहां चुनाव लड़ा, आप जो पिछले चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में आपने क्या सपना देखा इस गांव के लिए? जी जी, मैंने ये देखा कि सबसे पहले आप हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर लड़कियों की कमी है, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जी, और बेटी की परवरिश करना एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी सोच मानता हूं मैं जी। सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं? इस गांव के जो सरकारी स्कूल है उसकी बिल्डिंग के हालात कैसे हैं और अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? सरकारी स्कूलों की जहां तक बात आती है तो मास्टरों की कमी है बस। यहां आपके गाँव में खेल स्टेडियम है या नहीं है, या है तो उसके हालात कैसे हैं? खेल स्टेडियम है और बनने लग रहा है खेल स्टेडियम, वो कुछ तो बन चुका है, एक साइड की दीवार बाकी है और उसके लिए भी हमने मांग कर रखी है कि वो दीवार जल्दी से जल्दी, उसकी पैड़ियाँ, उसके लिए एक कमरा बनाया जाए, उसके अंदर जिम वगैरह जो है वो समय समय के ऊपर खिलाड़ी वहाँ कर सके। अगले मुद्दे पे जुड़ते हैं, जो गलियां हैं गांव की, गलियों के बारे में, गांव की फिरनी के बारे में हालात कैसे हैं? इसके अलावा जो गांव की फिरनी है उसके हालात कैसे हैं? वैसे गांव की जो फिरनी है, गांव के अंदर के गलियारे हैं वो कच्चे हैं जी। मनरेगा से
और उन गलियों को पक्का करेंगे और स्वच्छ और सही बनाएंगे। मेरे गांव के अंदर 45 गलियां हैं। गंदे पानी की निकासी जैसे पीआरआई स्कीम से नालियों के लिए या नालों के लिए या आपको और जिस काम के लिए, तो गंदे पानी की निकासी आपके गांव में किस प्रकार से हो रही है या अभी तक उसका प्रपोजल नहीं बना है? नहीं, अभी मैंने एक 3,500 फीट लंबा और गंदा नाला, जो गंदा पानी था उसको निकालने के लिए अभी वो चल रहा है, उसकी चिनाई चल रही है, वो तकरीबन 80% पूरा हो चुका है। तो मेरे गांव के अंदर 7 ढाणियां हैं, तकरीबन 5,500 वोट हैं, 18 वार्ड हैं। तो इसको डेवलपमेंट करते करते करते, और मैं चाहूँगा एक फौजी होने के नाते कि जल्दी से जल्दी बढ़िया हो और मैं जगह रोक के नहीं बैठूँ कि क्यों आने वाला समय ये न कहे कि भी इसने कुछ नहीं किया। तो मैं पानी, गंदा जो पानी है उसके निकासी के लिए एक तो चला दिया, दूसरा और ढाणी शमसावा से गांव मेरे साथ में, मेरा ही वार्ड नंबर 16, 17, 18 पड़ता है, उसके अंदर भी एक गंदा नाला जो है उसको मैं उस साइड में निकालूंगा। स्वास्थ्य केंद्र जो है या नहीं है, दूसरा पशुओं का अस्पताल, इंसानों के लिए और पशुओं के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं? सर वैसे पीएचसी है, बनी हुई है, उसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग लेडीज भी है, जेंट भी है, पर डॉक्टर की हमें कमी है। और डॉक्टर पूनम हमारी पोस्टेड के ऊपर है वैसे, पर वो काम लोहारू में कर रहे हैं, तो डॉक्टर हमें उपलब्ध नहीं है। तो मैं मांग करूंगा गवर्नमेंट से कि भी हमें डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए यहाँ। और जो पशु अस्पताल है, पशु अस्पताल है, है पशु अस्पताल, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर भी है, एक साइड से उसकी दीवार गिरी हुई है, वो भी मैंने मांग कर रखी है प्रस्ताव के द्वारा गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, कि भी उसकी दीवार में मेंटेनेंस करवाऊं और बढ़िया सुंदर करवाऊं उसको ठीक से। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में, यहाँ पशु अस्पताल है, उसकी दीवार डैमेज है, अस्पताल डैमेज है, कोई समस्या आपके मन में आए कि गांव की कोई समस्या जिसके ऊपर बातचीत करते हैं? ये रेलवे है ना, उसके तरह करे हमने रास्ता मिलना चाहिए या नक्का बनाना चाहिए, हमें 400 बीघा जमीन पड़ी है, वहाँ कोई पशु नहीं जा सके। इसमें सबसे ज्यादा समस्या है कि महेंद्रगढ़ की सीमा से, यानी कि फाटक, रेलवे फाटक से लेके लोहारू तक रोड की सबसे ज्यादा समस्या है। दोबारा से यहाँ के सरपंच मुखिया से रणधीर सिंह जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपके गांव में लिंग अनुपात रेशो बराबर है या कम, कैसा है और बेटियों के लिए माहौल कैसा है? बेटियों के लिए बहुत बढ़िया माहौल है सर। दूसरा, शौचालय बनाने की एक परंपरा, जैसे पूरे भारत में खुले में शौच मुक्त भारत का अभियान का जो बीड़ा उठाया है सरकार ने, ये मान के लिए एक सोशल मैसेज भेजा है, उसके तहत कितने शौचालय बन चुके हैं और ग्रांट आने बाकी कितना है? शौचालय मेरे गांव में तकरीबन शौचालय 1400 राशन कार्ड है मेरे गाँव के अंदर, और उनके अंदर से सिर्फ 74 शौचालय बाकी रह रहे हैं जी, और उनके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ कि किसी भी तरह से वो बने। ये पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के तहत कितने पेड़ लगाए हैं? ये पेड़ लगाए सब हमने सुहासरा गांव के अंदर 3,500 पेड़ लगाए हैं जी। यहाँ पे हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में सबसे बड़ी बात निकल के आई कि 3,500 पेड़ लगाए गए और कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह यहाँ के सरपंच जो कि एक सैनिक हैं और कप्तान के रूप में रिटायरमेंट हुए, उनसे बातचीत की और यहाँ की समस्याओं के बारे में बातचीत की। समस्या है जी, बोलो। गांव के अंदर 3-4 बार पावर उसकी डिमांड आ गई, उनकी मान्यता होगी, पर वो दूसरी जगह ले जाते हैं, जमीन दे रहे हैं, जमीन दे चुकी है हमने, यहाँ की पंचायत जमीन दे चुकी है, एक पावर हाउस 3-4 बार मंजूरी मिल चुकी, और हम निकलते किसी और गांव, वहाँ की समस्याएं और वहाँ की उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे बारवास गांव, जो कि भिवानी जिले का गांव है। यहाँ इस गांव की समस्याओं को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसके साथ साथ गांव की उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ से महिला सरपंच है, शिक्षित है, और युवा।
हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, जितने भी युवा साथी यहां पे पहुंचे, इसके साथ साथ में जितने बुजुर्ग पहुंचे, उन सब का वेलकम स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में शशि बालाजी, जो आप मुखिया के तौर पे इस गांव ने आपको चुना है, आपका स्वागत वेलकम करते हैं पूरे गांव के साथ। जी शशि बालाजी, आपने चुनाव लड़ा, इस परिवार ने आपको चुनाव लड़ाया, यहां चुनाव मैदान में 7-8 महीने पहले नई पंचायत का गठन हुआ, तो क्या सपना देखा आपने इस गांव के विकास के लिए? जी मैं कहना चाहूँगी कि गांव के विकास में महिला की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। एक महिला जितनी समस्याओं को समझ सकती है, एजुकेटेड महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ इस गांव में जितनी समस्याएं हैं, मैं उनको आगे ले जाऊं और उन समस्याओं का समाधान करने में मैं सक्षम हो पाऊँ। जी हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में सबसे पहले शिक्षा के मुद्दे पे पहुंचते हैं। सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं और इसके साथ साथ में बिल्डिंग के क्या हालात हैं? दूसरा, अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? जी यहाँ पे सरकारी जो स्कूल में है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें अध्यापक महिला टीचर नहीं है। सबसे पहली समस्या तो ये है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और उनके लिए महिला टीचर नहीं है। यहाँ खेल स्टेडियम है या नहीं है? है तो उसमें सुविधाएं हैं या नहीं? इसके अलावा स्टेडियम नहीं है तो बनवाने के लिए क्या आपने एस्टीमेट प्रपोजल बना के दिया है? जी बिल्कुल, हमने इसके लिए प्रपोजल दिया हुआ है। यहाँ पे खेल स्टेडियम है, वो स्कूल का ग्राउंड है, पर वो स्कूल गाँव से बहुत दूर पड़ता है, वहाँ पे लड़कियों के लिए तो बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल नए के बराबर सुविधाएं वहाँ पे, जैसे खाली जमीन पड़ी है वैसे स्टेडियम है। जी आपके गांव की मेजर समस्या जिसको आप चाहते हैं कि सरकार के सामने उठाई जाए, जो लगता हो कि ये काम हुए तो इस काम से सरकार को जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। जी मेजर समस्या ये है कि गांव में जो गोचरान भूमि है, सामलात भूमि है, वहाँ पे जैसे जंगली जानवर हिरण हैं, खरगोश हैं, ये जो पाटरीज वगैरह हैं, ये सब बहुतायत में हैं और उनको जंगली कुत्ते, आवारा कुत्ते, ये सब मार के उनको ख़त्म कर रहे हैं। जी। तो अगर उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाए या उनकी रक्षा की जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो चारागाह छोड़ा गया है इस गांव का, जो सामलात जमीन है, उसमें बहुत से ये मान के चलिए छोटे जिसमें खरगोश वगैरह इस तरीके के जानवर हैं, उन हिरण हिरण ज़्यादा हैं, उनको जो जंगली बड़े जानवर हैं वो या कुत्ते मान के चलिए कि खा रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक महिला सरपंच की मांग। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में दोबारा से उनसे जुड़ेंगे क्योंकि एक शिक्षित सरपंच है, उनसे बातचीत करेंगे और ग्रांट की मांग करेंगे, वित्तीय सहायता की मांग करेंगे। तब तक कुछ सवालों के जवाब जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे उनसे ले लेते हैं। गाँव की कोई मेजर समस्या जिसको आप सरकार के सामने उठाना चाहते हैं? एक तो गांव में जो बिजली की लाइन सप्लाई है ना, इसके तार वार बहुत कंडम लगे हुए हैं और वो जल्दी फाल्ट हो जाते हैं, कभी तो गांव में लाइट की समस्या आ जाती है। जी तो इसलिए इन तारों को बदलवाना चाहिए और ताकि ये समस्या ना आए। जी गांव की मेजर समस्या सबसे मोटी है, गांव की गलियां पक्की होना, सब गलियां कच्ची हैं, खंडर हालात में है। मतलब यार फुलजार जुलानी वाले जो है ना, हमारे गांव में पैदा हुए थे और परिवार भी है और किसी कारण से वो मतलब जुलानी चले गए थे। जी। तो अब वहीं रहने लग गए थे, वो जुलानी के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हैं कि काफी दिन उन्होंने वहां लगाया। मारा खेत जी दो कोस पर है जहाँ, जो मारी सड़क 30 साल हो गया कति टूटी पड़ी है, जो समार की जाते हैं वैसे गेर की जो डगर जाते हैं, अब महिला ने इतना दुख होता है कोई बहुत ज्यादा। जी जो युवा है, युवाओं के लिए क्या मांग है आप? यो यहाँ स्टेडियम की मांग है, स्टेडियम नहीं है, कोच भी साथ है, यहाँ एक कोच नियुक्त किया जाए, कि युवा साथी की मांग है, इसके अलावा पूरे गांव की मांग है। यहाँ लगातार बारवास गांव में जुड़े हुए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि यहाँ निकल के आई, हर फुल जाट जुलानी वाले का गांव जन्म सतली यही है। जी आपसे दोबारा जुड़ते हैं, महिलाओं के लिए आपकी क्या मांग है कि महिलाओं को आगे लेके आए, क्योंकि आप महिला सरपंच हैं, तो महिलाओं के लिए क्या यहाँ पे सिलाई सेंटर केंद्र इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए कि महिला भी आत्म निर्भर हो सके? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए
स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, चाहे सिलाई सेंटर हो, पार्लर का हो, या कुछ जैसे अपने खुद के घरेलू कुछ भी काम करके वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके, कुछ ऐसा होना चाहिए महिलाओं के लिए जी। इसके अलावा जो समस्याएं आपको लगती हूँ कि 8-7 महीने हो चुके हैं आपको इस गाँव की पंचायत और मुखिया के तौर पर जी, हमें आज तक कोई ग्रांट नहीं मिली है जिसमें कुछ ऐसी ग्रांट दी जाए जो महिलाओं के लिए जैसे स्वरोजगार का या कुछ ऐसा कार्यक्रम हम आयोजित कर सकें जिनमें उनको ट्रेनिंग दे सकें या कुछ उनको सिखा सकें। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जैसे खुद के ट्रेनर भेजे या गांव में ऐसे कुछ संसाधन उपलब्ध करवाए जो महिला ज़्यादा ट्रेंड हो सके इस चीज़ के जी। जो एक कल्याणकारी नीति है बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, उसके तहत आपके गांव में सेमिनार आपने समय समय पर लगवाए हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए, गांव का माहौल कैसा है जी? बेटियों के लिए यहां पे माहौल ठीक है, यहां पे बेटियों के एजुकेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बस समस्या यही है कि यहां पे लड़कियों के लिए महिला टीचर की व्यवस्था की जाए, सब्जेक्ट के टीचर भेजे जाए ताकि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के तहत कितने पेड़ लगाए गए, तीसरा खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत कितने शौचालय बन चुके हैं, कितने बाकी हैं जी? बिल्कुल, गवर्नमेंट की इस पहल के अंतर्गत हमने इस शौचालय में कम से कम अभी अभी हमने 6 या 7 महीने में 200 के लगभग टॉयलेट बनवा दिए हैं जी, बनवा दिए। बाकी कितने बाकी? अभी ज़्यादा तो नहीं बचे हुए हैं, कुछ एक बचे हुए हैं, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं और वो खुद भी बनवा रहे हैं। जो गांव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सरकार की जो कल्याणकारी नीति है उसके साथ हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहां की सरपंच श्रीमती शशि बाला को हम सम्मानित करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में गांव के जितने गणमान्य व्यक्ति यहां पे पहुंचे उन सबको अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल के स्मृति चिन्ह से भेंट कर उनको सम्मानित करने का काम करते जी। और हम निकलते हैं किसी और गांव में वहां की समस्याएं और वहां की उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।